just let me see. पत्रस उसी का लिखा हुआ खत पहला पत्रस उसी का लिखा हुआ खत पहला अमें अमें उसका बाप नंबर चार है बाप नंबर पांच है उसकी आयत नंबर सात है पत्रस का पहला खत बाब नंबर पांच आयत नंबर सात खुदा के कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह से लिखा है अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर सुने जाने पर और अमल किए जाने पर खुदा की सताइश आमीन 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 हाथों को लहरा कर जोर से हालेलुया हालेलुया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्र करना फिक्र करना फिक्रमंद होना और खुदा का बंदा पत्रस इस खत में लिखता है अपनी सारी फिक्र अपनी सारी फिक्र थोड़ी सी नहीं वो कह रहा ये नहीं कह रहा कि अपनी थोड़ी सी फिक्र उन्हें दे वो कह रहा कि अपनी सारी फिक्र अपनी सारी फिक्रें किसको दे दो किस पर डाल दो क्यों डाल दो लोग क्यों कह रहे क्यों डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है वो आपका ख्याल करता है वो आपकी फिक्र करता है इसलिए वो कहता है कि अपनी फिक्र खुदावंद पर डाल दो उसको आपका ख्याल है। आमीन। फिक्र के बहुत सारे मतलब हैं फिक्र के बहुत सारे मतलब हैं। अब आपने फोकस सिर्फ खुदा के कलाम को करना है अपने कानों को खोल कर रखना है सुनना है ये नहीं कि इधर से सुनते जाएं और इधर से निकालते जाएं। इसको सुने और अंदर रखें जब आप इस कलाम को अपने अंदर रखेंगे ये कलाम जिंदा है क्या है असर है यानी आपकी जिंदगी में फायदा देगा आपकी जिंदगी में असर करेगा क्योंकि कलाम जिंदा है खालिस है कलाम सच्चाई है शहद से मीठा है। हम इसके मतलब देखेंगे फिक्र का मतलब है सोच विचार करना सोचते रहना अंदेशा एक ख्याल ध्यान रंज गम हाजत परवाह तदबीर दिखाना ये इसके मतलब है बहुत सारे मतलब हैं। फिक्र करना क्या है सोचना किसी बात के लिए सोचते रहना क्या है गौर करना गौर करते रहना खुदा के कलाम पर गौर करते रहना चाहिए खुदा के कलाम के मुताबिक हमें सोचते रहना चाहिए फिर है गम करना रंज करना अपनी जिंदगियों के लिए गम करें अपनी जिंदगी के लिए कि हमारी जिंदगियां किस तरफ जा रही हैं हम जिस्मानी चीजों की ख्वाहिशात की फिक्र करते रहते दुनियावी चीजों की फिक्र करते रहते हम इन्हीं ख्यालों में इन्हीं सोचों में डूबे रहते और इसलिए फिलिपियों के खत में पौलुस रसूल
दो बाग की 21 आयत में लिखते हैं कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है ना कि यीशु मसीह। आज गौर कर लें, देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, अपनी जाती जिंदगी में देख लें, अपनी खानदानी जिंदगी में देख लें, अपनी इस जो कलीसियाई जिंदगी में उसमें देख लें, हर एक अपनी अपनी बातों की फिक्र में। यीशु मसीह की फिक्र किसी को नहीं, हम अपनी बातों की। शौहर जो है वो बीवी की फिक्र में है कि मैं किस तरह से उसको खुश करूं। शौहर बीवी को खुश करने के चक्कर में रहता है और बीवी जो है वो अपने शौहर को खुश करने की फिक्र में लगी रहती है कि मैं अपने शौहर को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे अपने शौहर को खुश करूं, कैसे उसको मैं अपनी तरफ रखूं। आज जमाना है इस बीवी और शौहर बच्चों के लिए फिक्रमंद है, वो बच्चों की सोचते रहते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के तलक से सोचते हैं, उनके हाल के तलक से सोचते हैं, फिक्रमंद रहते हैं बच्चों के। और बहुत सारे लोग दौलतमंद होने की फिक्र में लग रहे हैं, किसी न किसी तरीके बस मैं दौलत ही कमा लूं, पैसा कमा लूं, यह फिक्र उन्होंने लगी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने जॉब की फिक्र लगी रहती है। कलाम ने कहा कि अच्छे पेशे अपनो, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपने जॉब की फिक्र करेंगे तो आपको जॉब मिल जाए। घर नहीं है तो लोग घरों की फिक्र में लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है, वो घरों के चक्कर में लगे हुए, उनकी फिक्र में पड़े हुए हैं कि किसी तरह से हमारा घर बन जाए। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। जिनके औलाद नहीं वो जोड़े औलाद के लिए फिक्रमंद रहते हैं, जिनके औलाद नहीं वो जोड़े औलाद के लिए फिक्रमंद रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाने के लिए वीजों की फिक्र में लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे यूरोप का वीजा मिल जाए, अमेरिका का वीजा मिल जाए, मुझे मिडिल ईस्ट का वीजा मिल जाए, ताकि मैं यहां से चला जाऊं, मैं फरोज हूं, उसी फिक्र में दबा रहता है। बहुत सारे लोग अच्छे खाने पीने की फिक्र में लगे रहते हैं, किसी तरह मैं चंगी तो चंगी खुराक खा रहा, प्रोटीन मेरे अंदर चला जाए, मेरे अंदर चिकनाई चली जाए, मेरे अंदर विटामिन सारे चले जाए, दूजे भावें मिले ना मिले, उनको अपनी फिक्र होती कि मेरे लिए यह सारा कुछ हो जाए, मैनू यह सारा कुछ मिल जाए, यह खुराक मैं खा लवा, दूजा ना खावे, यानी उन्होंने अपनी खुराक की फिक्र। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खुराक की फिक्र में लग रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे लिबास, अच्छी रहायश और अच्छे एनवायरमेंट की फिक्र में लगे रहते हैं कि अच्छे मजे में चढ़िए तो किसी चंगी कलोनी में चले जाएंगे, किसी अच्छी डेवलप सोसाइटी में चले जाए, जब खुदा चाहेगा चले जाए। हम फिक्रमंद रहते हैं अच्छे पहनावे के लिए, अच्छे लिबास के लिए, कि यह लिबास सिर्फ मेरे को होना चाहिए, दूजे को नहीं होना चाहिए, यह सूट सिर्फ मेरा ही नजर आवे, दूजे का ना नजर आए, उन्होंने इसे नहीं फिक्र खाती रहती है, हट लिबास की फिक्र खा जाती है। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान फिक्र में पड़ा है, कोई अच्छे खान पीन की चक्कर अच्छी पीने के चक्कर लगा रहता है कि मैं ही पीवा। आज के इस दौर में एक फिक्र और भी बिजली की, बिजली की फिक्र, क्योंकि दौर उसी जो बिजली है ही नहीं सी, वो तो की बस मैंने तो वो दौर देखा है और वो दौर भी अच्छा था। आज जरा बिजली ना आए तो बीबियां बाग वाले ने कोसना शुरू कर दी,
बीबियां फोड़े फोड़े कर फोन करो मगदाने को फोन करो, बत्ती क्यों नहीं आ रही? फिक्र ठीक है, जरूरत है, लेकिन इस कदर मरते ना जाए, बत्ती के बगैर आपकी जान नहीं निकलेगी, मर नहीं जाएंगे। एक वक्त वो था जब लाइट नहीं थी तो हम जिंदा थे, और अब भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, 70 साल का होने वाला हूं और आपके सामने खड़ा हूं। मैंने वो दौर भी देखा है, पानी ना आवे तो फेर की मचला चला के मर गई, घड़ी मुड़ी मैं टिच टिच कर लिया, घड़ी मुड़ी टिच टिच करने वाले यह नहीं पता कि बिजली का बिल बदलेगा। लोग ये सोचते ही नहीं भाई, अपने सेन में एक बात रख ले कि फलान टाइम पानी आता है, मैंने उसी टाइम उसको टिच करना है। पानी की फिक्र लगी रहती है, बिल बढ़ता रहना, बिल बढ़ता रहना, तो फिर लड़ना कि बिल क्यों ज्यादा है। भी जिन्नी बड़ी मोटर चलाओगे पानी नहीं आएगा, मोटर बत्ती लाएगी, बत्ती के बगैर नहीं चलती, बिजली खाए तो पानी की फिक्र के नाल फिर बिजली की फिक्र भी पै जाती, बिल फिर बिल की फिक्र भी पै जाती, गैस की फिक्र, गैस की फिक्र, गैस नहीं आई तो रोटी कितों पकावन, गैस नहीं आई तो हांडी कि पका। यानी सब दुनियावी फिक्र, बीमार लोग हैं उनको शफा की फिक्र है कि मैं किसी ना किसी तरीके शफा पा लूंगा, जबकि खुदा कहता है मैं खुदा हूं तेरा शाफी खुदा हूं, मैं ही तुझे शफा बख्शूंगा तो तू शफा पाएगा। असं अपने आप शफा नहीं पा सकते, भावे जिन्ना मर्जी चंगे तो चंगा तगड़ा डॉक्टर रख लो, समझदार डॉक्टर रख लो, जिन्नी मर्जी इलाज करा लो, जब तक खुदा शफा नहीं देगा आप शफा नहीं पा सकते। खुदा खुदा शाफी है, वो शफा बख्शने की कुदरत रखता है। आमीन। जिन्हें को गड्डी नहीं ना, जिन्हें को कार नहीं, चार पहिया नहीं, उन्होंने चार पहिया की फिक्र पी रही है कि गड्डी आ जानी चाहिए है, भावें किश्त दे लो, भावें किश्त दे लो, मोबाइल नहीं औखे हो लो मोबाइल, मोबाइल लड़ा किश्त दे, मोटरसाइकिल नहीं औखे हो जाना तो मोबाइल गड्डी लेना, मोटरसाइकिल ले लेना, भावें कर्ज के थले फीती फीती हो गई, उनकी फिक्र बहुत ही खराब करे इंसान। एक वक्त था बिजली नहीं थी, मेरी माँ शतीर के साथ रस्सियाँ बांध के सेंटर में डंडा लगा के उसके ऊपर डालती थी खेस, और उसके अंदर एक रस्सी डाली हुई थी लटकाई, और अपने पाँव के अंदर वो गिरा को ऐसे पकड़ के रखती थी, और ऐसे ऐसे उसको सारे नीचे सोए होते थे वो हल्लाती थी। आज दी माँ बच्चा भावे कमरे च सुता है ना बेचारा पसीनो पसीनी हो रहा है, वो मोबाइल पर लगी है, उन्हें ये नहीं करना कि मैं अपने पुत्र पखा चल, उन्होंने अपने मोबाइल की है बस, उन्होंने मोबाइल की फिक्र है, उन्होंने स्टेटस की फिक्र है, उन्होंने टिकटॉक की, उन्होंने ये फिक्र नहीं कि मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा अपना जमे हुआ पुत्र सुता है तो मैं उन्होंने पखा चल। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो दौर अच्छा था जब बिजली नहीं थी, वो दौर अच्छा था जब मोटर से पानी नहीं आता था, वो दौर अच्छा था जब हैंड पंप से पानी हम भरते थे, वो दौर अच्छा था, वो दौर अच्छा था जब हम एसी के बगैर सोते थे, कम से कम बिल की टेंशन तो नहीं होती। अब बिल की टेंशन बढ़ती है, मोबाइल के खराजात बढ़ते हैं, गाड़ी के अखराजात बढ़ते हैं, मोटरसाइकिल के अखराजात बढ़ते हैं, अच्छे पहनावे के अखराजात बढ़ते हैं, इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हम गरीब हैं। आपकी गुर्बत का यही मुश्किल है, क्योंकि आप इन फिक्रों में दबे हुए हैं, और ये फिक्रें हमको गरीब कर रही हैं। हमने हालात के साथ जीना नहीं सीखा, हम फिक्रों के साथ जीते हैं, यही हमारी मुश्किल। कुछ लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए
अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए परेशान होना तो ये अच्छी बात है, फिक्र करनी चाहिए, लेकिन इतने ना करने को आपका काम बन जाए, आप उसके नीचे दब जाए। कई माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनके बच्चों को अच्छे रिश्ते नहीं हुए, फिक्र नहीं। और ये तमाम की तमाम जो है दुनियावी है, सब चीजें माती हैं, सब दुनिया के साथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है बार बार कि हमें अपनी अपनी फिक्रों ने घेरा हुआ है, अपनी अपनी बातों के हम फिक्र में हमें यीशु की फिक्र। क्या हम इन चीजों को, ये जो सब चीजें हैं, क्या हम इन सब चीजों को फिक्र करके हासिल कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं? हरगिज नहीं। फिक्र इंसान को क्या करती है? दबा देती है। फिक्र की वजह से हम गमजदा भी हो जाते हैं और गम जो है वो जानलेवा भी होता है, और इस वजह से इंसान खुदा से कट जाता है। मोबाइल आ गया, मोबाइल जाने लगे रहे, दुआ का टाइम कोई नहीं, चर्च जाने का टाइम कोई नहीं, तालीम की फिक्र लगे रहने हैं, मुड़ के बच्चों को कहने बस स्टडी, स्कूल स्टडी, स्कूल अकेडमी, चर्च नहीं जाना, मेरे बच्चे के पेपर हो रहे हैं इसलिए बच्चा स्कूल चर्च नहीं आएगा। कल पादरी साहब दस रहे सन एक मां ने मुंडे को चर्च आंदा आंदा ढा लिया कि मेरे मुंडे के पेपर ने दसवीं के सारे के सफरी चर्च आंदा सी ते अच्छे नंबर लेंदा होंदा सी, ते जिद्दन उन्हें चर्च छड़ दिता पढ़ाई ले ध्यान कर लिया, हो सकता ज्यादा वक्त मोबाइल को मिला। कल भाई साहब कह रहे मान पूछा कह दी भाई साहब इतने चंगा सी कम से कम पास तो हो जाता सी, हूँ सारे ने फेल हो गए। खुदा का वक्त खुदा को दे, स्टडी का वक्त स्टडी होगी। असी बहाने बड़े करने, बहुत हम बहाने लगाते हैं सिर्फ उन फिक्रों की वजह से कि हम फिक्रों में पड़े रहते हैं, और वो तमाम फिक्रें हमारे बहाने। मेरे अजीजो अपनी सारी फिक्र भाई इधर आगे आगे जगह है, अपनी सारी फिक्र खुदा पर डाल दो तो उसको तुम्हारा क्या है ख्याल है। उसमें सुनिएगा, खुदावंद में यानी उसमें हमें सब कुछ मिल सकता है। अगर आप खुदावंद की फिक्र करें, अगर आप इबादत की फिक्र करेंगे, कल से हमने फैसला किया था कि हम पूरे 9:30 बजे इबादत शुरू कर देंगे, और जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने चर्च के इंतजाम में हैं उन सब को अब फिर मैं आगाह कर रहा हूं कि आपने कोशिश करनी है कि 9 बजे यहां चर्च में हूं, आकर दुआ करें और प्रस्तुत के लिए अपने आप को तैयार करें। मैंने कल भी कह दिया था कि अगर कोई आए या ना आए, आपने पूरे 9:30 बजे इबादत का आगाज कर देना है। हमें खुदा की फिक्र होनी चाहिए, हमें इबादत की फिक्र होनी चाहिए, हमें अपने यीशु मसीह की फिक्र होनी चाहिए। हम दुनियावी फिक्रों में लगे रहते हैं, बना बना देनी कपड़े नहीं स्त्री हो, बना बनाते हम हमारे कपड़े नहीं स्त्री, मेरे को चंगा सूट नहीं सी इसलिए मैं चर्च नहीं आया, पानी नहीं सी असी इस करके चल, क्योंकि असं सारिया फिक्र ही लगे रहने, तरह तरह के बहाने बनाने, तरह तरह मेरे मुंडे ने नौकरी से जाना है, मेरे बंदे ने नौकरी कमाना है, मैं फलां काम करना, मैं कपड़े अज धोने सन, एक ही तो छुट्टी होती पादरी साहब तो ही तो मशीन लाई, दुनिया भी फिक्र। मत्ती की अंजील 6 बाब मत्ती की अंजील निकाल छठा बाब निकाल, उसकी 24 आयत से पढ़ने शुरू, जरा राम राम से पढ़िएगा। कोई आदमी दो मालिकों की हिम्मत न
कोई बंदा दो बंदे की माता की खिदमत कर सकता है? हाँ जी नहीं कर सकता भाई। दो माता की खिदमत कर सकते हैं? हाँ बहनों, आप दो जगह एक ही वक्त में आप दो जगह काम कर सकती हैं? नहीं ना कर सकती। हाँ जी आगे, एक से दावत रखेगा या दूसरे से? हाँ जी, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना चीज जाने, एक से मिला रहेगा दूसरे को क्या रहेगा? तुम तो खुदा और डॉलर दोनों की हिम्मत, इसी तरह से खुदा हम फरमाते हैं कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत। हम दौलत के चक्कर में पड़े रहते हैं, खुदा से दूर होते जाते हैं। हम गाड़ी के चक्कर में पड़े रहते हैं, फिक्र में पड़े रहते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। हम घरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, रिश्तों के चक्कर में पड़े रहते हैं और खुदा से दूर 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 होते जाते हैं। जी आगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे। असि जान की फिक्र करने हैं, खाना की, पीना की, हर वेले फिक्र मान, दोपहर की खाना, रात को खाना, फिर नाश्ता की करना, की पीना है, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। आगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। ये बातें मैं नहीं कह रहा, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं, ये निकली हुई बातें हैं। बस क्या है कि हम इन पर गौर करें, इनकी फिक्र करें और इनके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। आगे बढ़ें। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? सवाल है आपकी। हवा के परिंदों को देखो। अब मिसाल खुदावंद क्या दिया है कि हवा के परिंदों को देखो। परिंदों को आपने देखा ना उड़ते हुए, जो बाहर आजाद होते हैं उन परिंदों को आपने देखा? हाँ जी, उनके लिए क्या लिखा है? ना तो वो बोते हैं। जैसे किसान फसल बोता है, क्या परिंदे फसल बोते हैं? ये आगे, ना वो कोठियों में जमा करते हैं जैसे किसान जमा करते हैं। असि जमा करने हैं, असि पूरे महीने का राशन इकट्ठा लिया कर आने भावे बाद पीने पैसे। और अक्सर होता है दाल भी लग जाती है, जो कट्ठी आई होगी ना तो दाल भी लग जाती है, कीड़े पै जाते हैं, आटे में भी सुसरी लग जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराब हो जाती है। हाँ जी, चीनी भी खराब हो जाती है तो नमक भी खराब हो जाता है, क्योंकि हम फिक्र करके जमा कर रहे हैं। हाँ जी आगे, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। तो भी तुम्हारा आसमानी बाप, हम सब का बाप कौन है? तमाम मखलूकात का बाप कौन है? मखलूकात सब उसकी हैं, आसमानी है, जमीनी है, पाताल की है, और पानी की तमाम मखलूकात उसी की हैं। और वो देखें सब की फिक्र करता है, पत्थर के अंदर कीड़ा है, खुदा उसको भी खुराक दे रहा है। आमीन। जी आमीन। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? आप अशरफुल मखलूकात हो, आपकी कदर उनसे कहीं ज्यादा है, तो आप फिक्रों में लगे होंगे, खाने पीने की फिक्र, हर एक चीज की फिक्र। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और एक घड़ी नहीं हम बढ़ा सकते अपनी उम्र में, हम एक सेकंड नहीं बढ़ा सकते। हम क्या है? हम कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ करने की मुझे। हाँ जी आगे, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? हम अपनी पोशाक के लिए, लिबास के लिए क्यों फिक्र करते हैं? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, जंगली सोसन के दरख्त देखो किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो खुदा आपको भी पढ़ा है, खुदा आपकी फिक्र करता है। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की तरह मुलाबस ना था। सुलेमान बादशाह के साथ कि उसके पास हर एक चीज थी,
लेकिन वो जो मिसालें दे रहा है खुदावंद परिंदों की, ईसों से फितरतों की, हर एक चीज की, कह रहे उनकी सारी लबस आगे। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। देखें घास कैसी खूबसूरत मिसाल है कि खास देखे कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना प्यारा लिबास खुदा उसको बनाता है। तो खुदा कहता है कि वो तुमको क्यों ना बनाएगा। अगर ये फिक्र ना, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमें फिक्रमंद नहीं खुदा यीशु मुझे और आपको कहता है कि हमने पहनने की फिक्र नहीं करनी, खाने की फिक्र नहीं करनी, पीने की फिक्र नहीं करनी। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। इन सब चीजों की तलाश में कौन सी कौमें रहती हैं? गैर कौमें। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों आपका बाप आपका आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तेबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। बस कल की ये फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन आप अपने लिए फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद आपसे कलाम करते हुए मिसालें देते हुए आपको बात समझाना चाहता है और करें बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी को तलाश। हमें खुदा की बादशाही, आसमानी बादशाही, खुदा की बादशाही, यीशु की बादशाही की तलाश करना। बादशाही यीशु है। जिस दिन आप यीशु को तलाश कर लेंगे, जिस दिन आप यीशु को पालेंगे, जिस दिन आप यीशु को मिल जाएगा आपको उसकी राष्ट्रवादी भी मिल जाएगी। आप पाक हो जाएंगे, आप मुफ्त राष्ट्रवाद ठहराए गए। गुलाम फरमा रहे हैं कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। ऐ मेरे बच्चों, ये बंगले तुम्हारे लिए हैं, ये गाड़ियां तुम्हारे लिए हैं, ये मोटरसाइकिलें तुम्हारे लिए हैं, ये एसी तुम्हारे लिए हैं, ये कपड़े तुम्हारे लिए हैं, ये पहनावे, ये खाना पीना, हर एक चीज तुम्हारे लिए। लेकिन फिक्र करके इनके पीछे ना लगे, पहले खुदा की बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हारी हैं। आमीन। आगे लिखा है बस कल की फिक्र ना करो, कल का दिन अपने लिए आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख काफी है। हम जितने इंसान औरतों से पैदा हुए हैं हम सब दुखों से भरे हैं। दुख सहना सीखें, दुखों में जिंदगी गुजारना सीखें, गर्मी में जिंदगी गुजारना सीखें, पानी के बगैर जिंदगी गुजारना सीखें। अगर अच्छा लिबास नहीं तो भी जिंदगी गुजारना, अच्छा खाना पीना नहीं फिर भी गुलाम के अनुरूप जिंदगी गुजारना सीखें। फिक्रों में ना पड़े रहें, फिक्रों में पड़े रहकर खुदा से दूर ना हो जाएं, खुदा से ना कट जाएं। कल की फिक्र ना करें, आज की फिक्र करें, आज की फिक्र करें। इनके मुस्तकबिल की फिक्र ना करें, इनका मुस्तकबिल खुदा के हुजूर है, इन बच्चों का मुस्तकबिल खुदा के हुजूर है। खुदा जानता है इन बच्चों को, खुदा ने इनके लिए क्या का प्लान मंसूबे बना रखे हैं खुदा जानता है। आप बस इनकी तरबियत करें, आप इनको खुदा के साथ कनेक्टेड रखें। खुदा जानता है कि इनको क्या क्या चाहिए। जिस्मानी ख्वाहिशों की फिक्र ना करें। मिस्र से जब इसराइली निकले तो वो खुदा की कुदरत को भी देख चुके थे, जानते थे, उन्होंने मुजज़ात भी देखे।
कि खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो लोग जिस्मानी ख्वाहिशों की वजह से बियाबान में रास्ते में हलाक हो गए, मर गए। सिर्फ दो शख्स जिन्होंने खुदा के नाम को इकरार किया, जो खुदा के साथ साथ चलते रहे, वो वादा की सरजमीन में कनान में पहुंचे। उनके दोनों के क्या नाम थे? यशवा और खाल। तमाम इसराइलियों का मकाम क्या था, मंजिल क्या थी? मुल्क कनान, वादा की सरजमीन, वो दुनिया पर थे और दुनिया की ख्वाहिशात में, और उनका मकाम दुनिया तक था। आपका मकाम क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल क्या है? बहुत सारे ने जिन्होंने नहीं जाना, बहुत सारे ने जिन्होंने आसमानी बातचीत नहीं जाना, इसलिए उन्होंने आवाज नहीं आनी। मैंने दो बार कहा है, मैंने दो बार कहा है, सुना नहीं। इसका मतलब है वो नहीं जाना चाहते, वो दुनिया की फिक्र में रहना चाहते, दुनिया की चीजों की फिक्रों में रहते हैं। और वो लोग कहाँ रह गए? दुनिया ही में रह गए, वो रास्ते ही में हलाक हो गए। मेरी और आपकी मंजिल आसमानी बादशाह। बियाबान में मुश्किलात में से गुजरे, लेकिन ये जो सुकड़ा रास्ता है जो बादशाही की तरफ जाता है, इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, जो इस सुकड़े रास्ते से तंग दरवाजे से दाखिल होगा वही आसमानी बादशाही में जाएगा। जो बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करेगा, जो आज का दुख आज सहेगा, वही आसमानी बादशाह है। लेकिन जो दुनिया की फिक्रों में रहेगा, वो जैसे इसराइली बियाबान में मर गए, ऐसे ही वो शख्स जो दुनिया की फिक्रों में रहता है, वो भी आसमानी बादशाही की मंजिल तक ना जा पाएगा। ऐ बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गो, आपकी मंजिल आसमान की बादशाह है। आपकी मंजिल खुदा की बादशाह है। आपकी मंजिल नया यरूशलम है। कितने हैं जो नए यरूशलम में जाना चाहते हैं? अपनी अपनी बातों की फिक्र छोड़ो, अपने खुदा यीशु मसीह की फिक्र करें, चर्च की फिक्र करें, इबादत की फिक्र करें, सेमिनार की फिक्र करें, दुआया मीटिंग की फिक्र करें, बाइबल क्लास की फिक्र करें, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने की फिक्र करें, सारी रात खुदा के हुजूर फिक्र करें। खाली दुआओं से कुछ नहीं होना भाई, ने के बाद दुआ वगैरह, मैं दुआ करता हूँ तो वगैरह मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ वगैरह मैं कुछ नहीं करता। सही अल्फाज बोला करें, आपको भी बरकत मिले, दूसरों को भी। दुआ में जब तक आंसू नहीं होंगे, दुआ में जब तक क्रियाजारी नहीं होगी, दुआ में जब तक शुक्रगुजारी नहीं होगी, दुआ में जब तक शफायत नहीं होगी, दुआ में जब तक आपके हाथ नहीं उठेंगे, आपका सर जमीन पर नहीं लगेगा, आप इकरार नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, आप हाथों को उठाकर प्रस्तुत नहीं करेंगे, आप फतह के लिए अपने हाथों को बुलंद नहीं करेंगे, आपकी दुआ सुनी नहीं जाएगी, इस चर्च की छत के ऊपर तक नहीं। हाथों को उठाकर दुआ करें।
अपने आप को सरेंडर करें, इकरार करें, हाँ मैं खुदा हूं, खुदा तू ही मेरा मालिक है, मुझे तेरी फिक्र है, मैं चाहता हूं मेरा यीशु जलाल, यीशु को जलाल देने के लिए आप आम लोग नहीं है, मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं, आप आम लोग नहीं हैं, आप खास लोग हैं, खास लोग बादशाह के लोग होते हैं, आप बादशाहों के बादशाह के लोग हो, आप खास लोग हो, आप पाक लोग हो, आप मुकद्दस हो, आप बुलाए हुए हो, आप चुने हुए लोग हो, तो फिर चुने हुए लोगों की तरह, बुलाए हुए लोगों की तरह, मुकद्दस लोगों की तरह, पाक लोगों की तरह यीशु की फिक्र करें, अपनी फिक्रें छोड़ दें, अपनी बातों की फिक्रें छोड़ दें, उसकी बात से ही राष्ट्रवादी को तलाश करें, ये दुनिया की सब चीजें आपके लिए किसके लिए हैं, किसके लिए हैं बताएं, दूसरों को साथ को बताएं, दुनिया की चीजें मेरे लिए हैं, दुनिया की चीजें मेरे लिए हैं, ये दुनिया की सब चीजें मेरे लिए हैं, शर्त एक है, पहले खुदा की बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी तब मिलेंगी। हम अपनी फिक्रों से वजह से ले लेते हैं, लेकिन उस वजह से हम कर्जदार हो जाते हैं, हम गरीब हो जाते हैं, हम खुदा से कट जाते हैं, ऐसी चीजें लेने से गुरेज करें, ऐसी चीजें लेने से गुरेज करें, वो चीजें लें, वो दौलत लें जिसकी वजह से आपको दुख ना हो, और जो दौलत खुदा की तरफ से उसके साथ दुख ना हो, ये मेरी बात याद रखें, आमीन। यीशु ने आपकी कीमत लगा दी, आप कीमती लोग हो, इस बात को समझा करो, खुदा के लिए इस बात को समझा करो, आप कीमती हो, आपकी कीमत अदा की गई है यीशु के बेश कीमत लहू से, यीशु के पाक लहू से, यीशु के अनमोल लहू से आपकी कीमत अदा की गई, आप क्यों नहीं याद रखते, आप कीमती हो, आप कीमती हो, आप अपने नहीं हो, ये बात मैंने अक्सर आपको कही है कि ये बात याद रखा करो कि आप अपने नहीं, आप किसके हैं, आप खुदा के हैं, आप खुदा के हैं, आप खुदा बाप के फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, और उसका रूह आपके अंदर बसा हुआ है, उसका रूह आपके अंदर वही आपको ताकत देगा, वही आपको कुवत देगा, इसलिए पौलुस रसूल कहता है जो मुझ में है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, वही आपको फिक्रों से याद करेगा, आप पर उसका फजल हुआ है, आप पर उसका क्या हुआ है, आप खास लोग हैं, खास लोग हो कि आम लोग हो, खास लोग का केड़ा फजल होता है, खास फजल, खास लोगों पे खास फजल होता है, पालूस ने तीन बार खुदावंद से फिक्रमंदी में दुआ की, रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, तो क्या जवाब मिला, मेरा फजल तेरे लिए वो फिक्र करोगे तो कुछ नहीं होना, यीशु के हजूर आ जाओ, आप खास लोग हो तो खास फजल के नीचे होते हुए यीशु के हजूर आओ, यीशु कहता है मेरा फजल तुम्हारे लिए, उसका फजल आपके लिए, दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ दें, दुनिया की फिक्रों को छोड़ दें, जिस दिन आप ये कर लेंगे, उसकी बादशाह और राष्ट्रवादी को तलाश कर लेंगे, तो ये चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी, ये सब चीजें आपको मिल, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा मुझे अपने फजल के नीचे रखता है, और खुदा मुझे हर बार बहाल करता है,
जो मैं नहीं भी मांगता वो मुझे दे। परसों मैं मछली का सोच रहा था तो कल मुझे मछली मिल गई। परसों मैं सिर्फ सोच रहा था तो कल मुझे मछली मिल गई। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं। क्यों? क्योंकि खुदा मेरी फिक्र करता है, वो आपकी भी फिक्र करता है, वो आपके लिए फिक्रमंद है, वो आपके लिए जो उसके लोग हैं, खास लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, पाक किए हुए लोग हैं, उनके लिए फिक्रमंद है। यीशु के लहू से आप पाक हुए हैं, उसके लहू की कदर कीमत को जाने, यीशु की लहू की कदर कीमत को जाने। उसने आपके लिए मार खाई है, उसने आपके लिए सिली पर जान दी है, वो आपको प्यार करना है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ परिमान ले आप लोगों के पीछे की कितनी फिक्र है उसको आपकी, क्या आप मर ना जाए, आप खत्म ना हो जाए, वो चाहता कि आप हमेशा खुदा आप सबको बचाए।